नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संगीता दत्ता, मनोरोग चिकित्सक, और आज हम लोग बात कर रहे हैं ड्रग कंप्लायंस इन साइकियाट्री के बारे में। अर्थात जब एक इंसान को एक मानसिक रोग होता है, उस इंसान के लिए एक दवा लेना, एक डोजेज में लेना, जो साइकियाट्रिस्ट बोलती है या बोलते हैं, और एक ड्यूरेशन तक वो दवा लेना कितना ज़रूरी होता है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग बोल चुके हैं बहुत बार, बहुत सारे वीडियोस में पहले भी, कि ऐसे काफ़ी सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सब्सटेंस अब्यूज़, कभी कभार सब्सटेंस अब्यूज़ में भी ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबियाज है, जहाँ पे एक इंसान को पता होता है कि उनको एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। वो उसी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम की वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और इफ़ेक्ट होता है ज़िंदगी, इसीलिए वो खुद या किसी दोस्त को लेके या किसी परिवार के दूसरे सदस्य को लेके साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं। इसीलिए ऐसे इंसान के लिए जब हम लोग कोई दवा लिखते हैं, तो वो लोग बेझिझक हमारा दवा या हमारे प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फॉलो करते हैं या दवा लेते हैं। बहुत बार ऐसे लोग अगर एक डेढ़ महीने में ठीक हो जाते हैं, वो लोग दवा लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनको दवाओं की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद अपने आप को संभाल सकते हैं, और साइकियाट्रिस्ट शायद उनको बेवजह बहुत ज़्यादा दवा खिला रहे हैं और उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक साइकियाट्रिस्ट आपको ना बोले, तब तक आपको दवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सडनली दवा बंद कर देते हैं, सिम्टम्स नहीं है आप में, फिर भी कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में आपको रिलैप्स हो सकता है, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी और बीमारी के लक्षण फिर से आ सकते हैं, और इस बार उस बीमारी की ट्रीटमेंट थोड़ा कठिन होता है। बहुत बार साइकियाट्रिस्ट के पास ऐसे भी रोगी आते हैं जिनको पता भी नहीं लगता है कि वो बीमार है। उनके परिवार के कोई दूसरा सदस्य या फ्रेंड, दोस्त उनको लेके आते हैं, बहुत बार ज़बरदस्ती से लेके आते हैं, और बहुत बार जैसे कि झूठ बोल के लेके आते हैं कि उनको अटेंडेंट बन के आना है, पेशेंट कोई दूसरा है, ऐसे उनको मैनेज किया जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी भी दवा वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि उनको कोई बीमारी है, और वो लोग काफ़ी सस्पिशियस होते हैं। बहुत बार वो लोग दवा खाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है दवा में पॉइजन है, और बहुत बार हम लोग ऐसे लोगों के लिए दवा देते हैं जो खाने के चीज़ के लिए साथ, फूड के साथ मिक्स किया जा सके, लेकिन ऐसे लोग खाना भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको सस्पिशन हो जाता है, वो लोग डाउट करते हैं कि खाने में कुछ खराब मिला हुआ है, कुछ पॉइजन मिली है, क्योंकि वो पैरानोया हम लोग बोलते हैं, जिसपे सस्पिशन या डाउट बहुत बढ़ जाता है एक इंसान में। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को अस्पताल में भर्ती करना होता है, भर्ती करके इंजेक्शन से ट्रीटमेंट दिया जाता है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट के बाद, जब उनको थोड़ा सा इंसाइट उनका वापस आ जाए, उनको पता चले कि वो बीमार है, तब काउंसलिंग दिया जाता है, उनका उनकी बीमारी के बारे में साइको एजुकेशन दिया जाता है, और दवा लेना कितना ज़रूरी है उसके बारे में भी सपोर्टिव काउंसलिंग दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे रोगी जब अस्पताल से बाहर जाते हैं, वो लोग दवा लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और फिर से साइकियाट्रिस्ट के पास चेकअप पे आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अस्पताल से हम लोग जब डिस्चार्ज करते हैं, तब फूड के साथ या खाने के चीज़ के साथ उसको मिक्स करके दवा खिलाया जाता है। ऐसे पेशेंट्स के जो अटेंडेंस होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग दवा तब तक खिलाइए और उसी डोजेज में खिलाइए जब तक साइकियाट्रिस्ट बोले और जिस डोजेज में साइकियाट्रिस्ट एडवाइस करे, क्योंकि अगर बीच में सिम्टम्स गायब होने पर आप लोग दवा ऑफ कर देते हैं ये सोच के कि दवाओं की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बीमारियां साइकोसिस फिर से रिलैप्स होती है, और तब ज़्यादा इंटेंसिटी में ऐसी बीमारियाँ होती है। तो इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए हम लोग बताना चाहते हैं कि साइकियाट्रिक जो प्रॉब्लम्स है उसमें दवाओं की ज़रूरत है, अगर साइकियाट्रिस्ट ऐसा सोचे तो, और जिस हिसाब में, जिस डोज में या जिस ड्यूरेशन तक ये लेने के लिए साइकियाट्रिस्ट बोलती है या बोलते हैं, तभी तक फॉलो करना चाहिए।
इस वीडियो को लाइक करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर से एक नई विषय लेके आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।